हेलो दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कोई भी निकन कैमरे से आईफोन में फोटोज कैसे ट्रांसफर किया जाता है, वो भी 1 मिनट में। फर्स्ट आपको कैमरे को ऑन कर लेना है, तो मैं यहाँ से ऑन कर लेता हूँ कैमरा। चूंकि ये निकन का कैमरा है, आपका कोई सा भी कैमरा हो तो आप इसी वे से आप फोटोज को ट्रांसफर कर सकते हो। ये मेन्यू को क्लिक करना है, लेफ्ट साइड में ढेर सारा सेटिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे कि कैमरा, प्ले, पॉज, डिलीट। फोर्थ नंबर पे आप लोगों को सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, जो कि सेटअप मेन्यू लिखा हुआ आएगा। उसके बाद आपको राइट क्लिक करना है। अगर आपका स्क्रीन टच कैमरा है तो आप यहाँ से भी मूव कर सकते हो। यहाँ से वाईफाई को सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हो वाईफाई, और यहाँ पे ऑफ लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्रेस करना है ओके। ओके जैसे ही प्रेस आप करोगे, फिर से ओके प्रेस करना है, और यहाँ पे आप देख सकते हो नेटवर्क कनेक्शन इनेबल और डिसेबल का ऑप्शन आता है, तो यहाँ से आपको इनेबल कर लेना है। अब जैसे इसको इनेबल करोगे, ऐप स्टोर में चले जाना है। ऐप स्टोर में आप लोगों को निकन सर्च करना है। निकन सर्च करोगे तो वायरलेस मोबाइल यूटिलिटी आएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है, ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे एक्सेस मांगता है, और जैसे ही आप ऐप खोलोगे तो यहाँ पे फर्स्ट आप लोगों को वाईफाई से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे वाईफाई में आपको चले जाना है, और यहाँ से जो भी आपका कैमरा मॉडल होगा तो आप उसको सेलेक्ट कर लेना। ये सेलेक्ट हो चुका है, यहाँ पे कनेक्टेड है। अब मैं फिर से ऐप में जाऊँगा। ऐप में आने के बाद व्यूज फोटोज को क्लिक करना है। व्यूज फोटोज के बाद अगर आपको कैमरा रोल प्ले करना है तो यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, और यहाँ से आपको लेटेस्ट डाउनलोड फोटोज दिखेगा या वीडियोज दिखेगा। आपका जो भी मॉडल है यहाँ पे मॉडल नंबर लिखेगा। ये मेरा जो कैमरा है वो D5300 है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। आपका जो भी कैमरा मॉडल रहेगा वो आपका वहाँ पे लिखा हुआ आएगा, और यहाँ से आप फोटोज को डाउनलोड कर सकते हो। आपको जो भी फोटोज डाउनलोड करना है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो सेलेक्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप देखते हुए सेलेक्ट कर सकते हो, सेलेक्ट का ऑप्शन है तो यहाँ से सेलेक्ट को करना है। जितने भी आप इमेजेस को सेलेक्ट किए रहोगे, डाउनलोड का ऑप्शन आता है, या तो फिर आप ऑल डाउनलोड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। तो मैं दो फोटोज को डाउनलोड करता हूँ। तो टू फाइल्स सेलेक्टेड, स्टार्ट डाउनलोड, मैं यहाँ से स्टार्ट डाउनलोड कर लिया। मैं यहाँ से जाके देख सकता हूँ मेरा जो डाउनलोड फोटोज है, सो ये दोनों फोटोज डाउनलोड हुआ है। फोटोज या वीडियोज डाउनलोड करना है, आप इजिली ऐसे ही अपने कैमरे से आईफोन में फोटोज ट्रांसफर कर सकते हो। काफी इजी वे है। एंड्रॉयड में कैसे ट्रांसफर किया जाता है फोटोज को, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।